नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा स्टार प्रचारक सनी देओल ने सिरसा लोकसभा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के पक्ष में वोटों की अपील की और एक विशाल रोड शो भी किया। यह रोड शो भादरा तालाब पार्क से शुरू हुआ और भादरा बाजार, भगत सिंह चौक, घंटाघर चौक और सुरतगढ़िया चौक होते हुए सुभाष चौक पर सम्पन्न हुआ। रोड शो में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व सिरसा से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल शामिल हुए। रोड शो में भारी संख्या में लोग एकत्र हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने दावा किया है कि इस प्रदेश में भाजपा की लहर है और सभी 10 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। वहीं अशोक तंवर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को फ्लॉप बताते हुए जो टिप्पणी की थी, उसके लिए बराला ने कहा कि 23 मई को इसका खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सनी देओल के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है, उससे साफ है कि सिरसा में भाजपा की जीत होगी। वहीं भाजपा की प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने दावा किया कि लोकसभा क्षेत्र सिरसा में उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की आज की रैली को एक फ्लॉप शो बताया। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि सिरसा की जनता जो है वो एक तरफा माहौल बना चुकी है और मन बना चुकी है कि अब की बार जो है वो सुनिश्चित है कि सिरसा लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। और आपने देखा कि चारों तरफ मोदी 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 की लहर है, सुनामी आई हुई है। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फतेहाबाद में आए थे, अपार जन समूह वहाँ पर भी था। और आज जिस तरह से हमारे भाई सनी देओल जी ने यहाँ पर जो रोड शो किया, अपार अथाह जन समूह समुद्र की तरह आज यहाँ पर भी था और बहुत लोगों के अंदर जोश था, उत्साह था, लोग बहुत खुश थे। चारों तरफ जो है वो एक कमल के फूल की लहर। 9 की 9 विधानसभाओं में हमारी ज़बरदस्त जो है वो लीड मिलने वाली है और कहीं किसी तरह का कोई मुकाबला किसी और से नहीं है। मुझे लग रहा है कि इतने मार्जिन मिलेगा कि शायद बाकी सब की जमानत जब्त हो जाए। ऐसा है कि बहुत सी जगह पर इस तरह देखने को मिला कि जो उनके हाथ में बैनर थे राहुल गांधी की, जो वो कटआउट्स वगैरह थे, वो सब फेंक के और वो सब हमारे जो रोड शो था वो सब उसमें भाग के आ गए। और हो सकता है कि कहीं पे शाम तक आपको कोई ऐसी वीडियो भी निकल जाए, आ जाए कि जो पाँव में उनके कटआउट्स जो है सब लोगों के पाँव में जा रहे थे और वो सब उनको वहीं फेंक कर और सब के सब रोड शो में शामिल हो गए। तो अपार जन समूह था और लोगों का समर्थन देखकर ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखकर, प्रधानमंत्री जी के लिए सबका प्यार देखकर और आज जो है हमारे सनी देओल जी का प्यार देखकर, वो खुद अभी चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में एक लोकसभा से, और बड़ा अपार जन समूह उनका समर्थन हर जगह पर कर रहे हैं और ऐसा ही हमारे सिरसा में भी देखने को मिला। चाहे हम सिरसा लोकसभा की बात करें या बाकी हरियाणा प्रदेश की बात करें, तो आज जिस प्रकार का उत्साह लोगों के अंदर है, ये चुनाव बेशक भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन ये जनता ने इस चुनाव को खुद अपने हाथ में ले लिया है और इस चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अशोक तंवर का बयान है कि फतेहाबाद में जो प्रधानमंत्री की रैली हुई पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। देखिए, ये समय बताएगा। तंवर साहब इस प्रकार के झूठे बयान देने से कुछ नहीं होने वाला। जनता ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। कल जो अपार जन सैलाब प्रधानमंत्री जी की रैली में था, कांग्रेस तो कई रैलियां मिलाकर के इतनी रैलियां नहीं कर सकते। सीएम साहब कल की रैली में नहीं आए सर? देखिए, कोई तय नहीं था उनका। सीएम साहब कुरुक्षेत्र थे, प्रधानमंत्री जी के कारकेट में एकदम से वहां पहुंचना संभव होता नहीं, एक ही स्थान पे रह सकते हैं। यहां मैं था और वहां मुख्यमंत्री जी थे। राहुल गांधी का सिरसा दौरा आज रैली देखी गई सिरसा में। देखिए, कितनी रैली कर लें, राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, किसी को भी लेकर के आए, यहाँ की जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है।